नमस्कार दोस्तों, रेखा दास ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ आंवला ऑयल की वीडियो शेयर करूँगी। इस तरीके से आप ये ऑयल बना के महीनों तक स्टोर कर सकते हो। हम सभी को पता है कि आंवले का जो ऑयल है वो बालों के लिए हमारे कितने फ़ायदेमंद है। वैसे तो आपको मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, लेकिन हम घर में इसे बनाएंगे बिना केमिकल के, बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपको लंबे घने शाइनी बाल चाहिए तो इस ऑयल को आप एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएंगे। आंवले के ऑयल से आपके बालों में कभी भी डैंड्रफ नहीं होगा, और जिनके बाल झड़ते हैं उनके बाल बहुत ही ज़्यादा मजबूत होंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के आंवला ऑयल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 6-7 आंवला ले लिया है। आंवले को अच्छे से मैंने 2-3 बार साफ पानी से धोया, और उसके बाद मैंने टिश्यू पेपर से अच्छे से पोंछ लिया। पूरी तरीके से आंवला हमारा सूखा है। तो सबसे पहले हम आंवले को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, देखिए, और जो बीज है उसे हम अलग कर देंगे। इस बात का आपको ध्यान देना है कि आंवला आपका पूरी तरीके से सूखा होना चाहिए, नहीं तो जो ऑयल है बहुत ही जल्दी हमारा ख़राब हो जाएगा। देखिए, तो इस तरीके से हमें छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं और बीज को हम फेंक देंगे। आंवले को छोटे छोटे टुकड़ा कर लेने के बाद हम डालेंगे मिक्सी के जार में, और यहाँ पे हम डालेंगे 1/2 कप नारियल का तेल। 1/2 कप हम नारियल का तेल डालेंगे और 1/2 कप हम यहाँ पे सरसों का तेल डालेंगे। अब दोनों में से सिर्फ एक तेल का भी यूज़ कर सकते हो, तो हमें यहाँ पे बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पे देखिए थोड़ा सा तेल बचा दिया है, और मैंने 1/2 कप नारियल का तेल लिया था। अब हम जार को बंद करके अच्छे से पीस लेंगे। पीस लिया है, अब हम इसमें जो बचा हुआ नारियल का तेल है वो भी डाल देंगे, और फिर से हम 2 मिनट के लिए और अच्छे से पीसेंगे। फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है, आप देख सकते हो। अब हम डालेंगे यहाँ पे 1/2 कप सरसों का तेल। तो मैंने तेल निकाल लिया है, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। अब हम एक मोटे तले का कढ़ाई ले लेंगे। अगर आपके पास आयरन कढ़ाई हो तो आप उसमें बना सकते हो, मेरे पास नहीं था तो मैंने यहाँ पे सिल्वर का कढ़ाई लिया है। अब हम जो आंवले का पेस्ट तैयार करके रखे थे वो डाल देंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे रखेंगे, साथ ही हम यहाँ पे डालेंगे 1/2 कप सरसों का तेल। गैस का फ्लेम हम हाई कर देंगे, और हाई फ्लेम में बस 2 मिनट हम पहले इसे बॉईल करेंगे, उसके बाद हमें ये तेल बनाना है बिल्कुल लो फ्लेम में। तो अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो इस तेल को बनने में हमारे 20 से 25 मिनट लगेगा, क्योंकि हम इसे मीडियम या हाई फ्लेम में नहीं बिल्कुल लो फ्लेम में पकाएंगे। तो पहले हम एक बॉईल आने देंगे, उसके बाद ही हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे करेंगे, और बीच बीच में हम चलाते भी रहेंगे। 1 मिनट बाद अच्छे से ये बॉईल होना शुरू हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे कर देंगे, और इसे हम बीच बीच में चलाते हुए पकाएंगे करीब 20 से 25 मिनट, जब तक ये तेल का कलर डार्क ना हो जाए। तो इसे हमें लगातार नहीं चलाना है, 1-2 मिनट में हम इस तरीके से स्पैचुला से चलाते रहेंगे। तो बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम हमें मीडियम या हाई नहीं करना है, बिल्कुल लो फ्लेम में हम तेल को पकाएंगे। 10 मिनट हो गए, मैं बीच बीच में 1-2 मिनट बाद बाद मैं इस तरीके से स्पैचुला से चलाते भी जा रही हूँ, और अभी इसका कलर आप
जो लाइट देख रहे हो ये धीरे धीरे डार्क होना शुरू हो जाएगा। तो 10 मिनट हो गए, अब हम 20 मिनट और पकाएंगे इसे, जब तक इसका कलर अच्छे से चेंज ना हो जाए। 25 मिनट हो गए आंवला को हमें पकाते हुए, और आप देख सकते हो जब हमने आंवला डाला था कैसा कलर था और अभी कितना डार्क हो गया है। तो इससे ज़्यादा हम इसे और नहीं पकाएंगे, तो गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और तेल को हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, उसके बाद हम इसे छानेंगे। तो अब देख सकते हो कलर कैसा है, तो अभी काफ़ी गर्म है, तो तेल को ठंडा होने के बाद हमें छानना है। तो 25 मिनट मैंने इसे लो फ्लेम में पकाया है, तेल हमारा पूरी तरीके से ठंडा हो गया है और आप देख सकते हो जो आंवला है उसका कलर किस तरीके से चेंज हो गया है। अब हम एक सूती का कपड़ा ले लेंगे और इसमें हम तेल को छान लेंगे। तो इस तरीके से हम रखेंगे, पहले नीचे मैंने एक कटोरी रखा है, देखिए अब हम तेल को छान लेंगे। तो इस तरीके से हम उठाएंगे, देखिए, और अच्छे से प्रेस करते रहेंगे इसे घुमाते हुए। तो ये ठंडा है, तो अच्छे से हम इसे घुमाते हुए जो भी तेल है उसे निकाल लेंगे। देखिए अच्छे से हमें निचोड़ना है, देखिए मैंने जितना हो सके अच्छे से निचोड़ लिया है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप आंवले का तेल एक बार बना के जरूर देखिएगा, और आप इसे लगातार एक हफ्ते लगाएंगे तो एक हफ्ते बाद ही आपको फर्क पता चल जाएगा कि आपके बाल कितना मजबूत हुए और कितनी जल्दी आपके बाल लो में ग्रोथ हुआ है। जब आप कभी इसे बालों में अप्लाई करें, थोड़ा सा आप मसाज करते हुए इसे बालों के जड़ों में लगाइए और एक हफ्ते बाद ही आपको इसका फ़र्क नज़र आ जाएगा कि आपके बालों में कितना मजबूती आ गया है और बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो गया है। और इस तेल को जिस किसी डब्बे में आप भरेंगे उसे अच्छे से पहले क्लीन कर लीजिएगा, और पूरी तरीके से सूखा होने के बाद ही आप उसमें तेल डाल के स्टोर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप आंवला का तेल एक बार बना के ज़रूर देखें, उम्मीद है आप सभी के लिए यूज़फुल होगा। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आज का वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो नए वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चेहरे पर हमेशा स्माइल रखिएगा।